काइनामेटिक्स में ना दो मेन चीज है, और एक उसमें से है आपकी स्पीड और दूसरी होती है आपकी एक्सिलरेशन। अब एक कॉमन बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि स्पीड और एक्सिलरेशन जो है वो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम लोग आज दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं स्पीड पे। अब देखो स्पीड जो है आपकी, स्पीड हम लोग एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, और फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, इस चीज़ को ना हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और इसके लिए हम लोग ने ये क्वेश्चन बनाया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है आपके पास ए, एक पॉइंट है आपके पास बी, ठीक है। अब एक बंदा पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और उसने जाना है पॉइंट बी पे। तो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से वो निकला है 2 बजे। जब वो पॉइंट ए से बंदा निकला है तो शाम के 2 बजे 2 PM हो रहे हैं, और जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा है तो 4 PM हो रहे हैं। यहाँ से हमें पता क्या चला कि उसको जो टोटल टाइम लगा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने पे वो कितना लगा है, 2 घंटे लगे। 2 बजे निकला है, 4 बजे पहुंचा है, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस जो है वो हमने गूगल मैप के थ्रू निकाल लिया, और वो कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 160 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि इसकी स्पीड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे बंदा था पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पे आया, तो उससे एक बंदे ने पूछा कि आप किस स्पीड से आए हो, ठीक है, और उसने जवाब दे दिया कि 80 की स्पीड से आए हो। अब उससे पूछा कि 80 क्या है, मतलब ये तो बड़ा एक लेम आंसर होगी ना कि 80 की स्पीड से आए हो, 80 क्या है। तो उसने बोला कि मतलब क्या बात है, मुझे ना समझ नहीं आई। तो एक चीज आपकी होती है यूनिट्स, स्पीड ना हमेशा यूनिट्स के साथ बताते हैं। जैसे हम लोग से फॉर एग्जाम्पल स्कूल जब जा रहे होते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि जब तुम घर स्कूल आते हो तो क्या स्पीड होती है तुम्हारी, तो हम लोग यूजली जवाब देते हैं 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है। लेकिन उससे एक हमारी आदत जो खराब होती है वो ये कि हम साथ में यूनिट्स ही लगाते हैं। स्पीड के 2 यूनिट्स होते हैं, और यूनिट जो है वो हमारे हैं, एक होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक होता है आपका मीटर पर सेकेंड। हमारी गाड़ियों में जो लगा हुआ होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर वाला, ठीक है। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 80 की स्पीड से, उसने बोला ठीक है मैं 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आया हूँ यहाँ पे, उसने बोला ठीक है आप 80 किलोमीटर पर स्पीड की 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो आए हो, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप ऑल द वे जो आपका रूट है आप यहाँ पे भी 80 किलोमीटर पे थे, यहाँ पे भी 80 किलोमीटर पर स्पीड पे थे, यहाँ पे भी आपकी स्पीड 80 थी, इधर भी 80, इधर भी 80, और हर जगह से आपकी 80 की स्पीड थी। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कहीं पे मेरी स्पीड 50 थी, कहीं पे मेरी स्पीड 100 थी, कहीं पे मेरी 120 थी, कहीं पे बिल्कुल ही 0 थी। तो उसने बोला ये क्या चीज़ है, तो उसने बोला यही तो बात है, हम लोगों की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, एक एवरेज निकाला जाता है हमारा कि ऑन एवरेज जो हमारी स्पीड है ना वो इतनी है, और वो एवरेज कैसे निकाला जाता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीड के साथ, उसके यूनिट्स, यूनिट के बगैर स्पीड इनकम्प्लीट है। अगर हमसे बोलें कि हमारी स्पीड 80 है तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ी लेम टर्म है। अगर हम बोलें स्पीड हमारी 80 किलोमीटर पर आर है तो ये चीज़ हमने सही बोली है। फॉर एग्जाम्पल 80 किलोमीटर पर आर, 80 किलोमीटर पर आर का मतलब पता है क्या होता है, कि ऑन एवरेज 1 घंटे में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ऑन एवरेज 1 घंटे में हम लोग 80 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, इस तरीके से स्पीड को पढ़ते हैं। और दूसरा जो यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब खैर ये तो हमने बात कर ली एक ऊपर से थोड़े से ओवरव्यू की। देखो हमने अभी 2 यूनिट देखे, और वो थे कि आपके किलोमीटर पर आर और एक आपका मीटर पर सेकंड। तो यार किलोमीटर पर आर का क्या मतलब है, अच्छा किलोमीटर पर एच आर नहीं, किलोमीटर पर एच लिखा होता है, किलोमीटर पर आर को हम पता है क्या लिखते हैं, किलोमीटर डिवाइड बाय आर, यही मतलब होता है ना। अब यहाँ पे इन डाइसेस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, वो ये कि अगर अगर एच पे कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होगी, पावर 1 होगी, और अगर हम इसको फोर्सफुली ऊपर शिफ्ट कर दें तो पावर इसकी क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो होता है किलोमीटर और एच की पावर -1, मतलब न्यूमरेटर में विदाउट हमने ब्रैकेट लगा दिया, एक है आपका किलोमीटर पर आर और एक है आपका किलोमीटर एच की पावर -1, यही चीज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि मीटर डिवाइड बाय सेकंड हो रहा है, और सेकंड पे अगर कुछ भी पावर नहीं है तो पावर 1 होगी, और इसको अगर हम फोर्सफुली न्यूमरेटर में शिफ्ट करें
पावर जो है इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। पढ़ते दोनों को सेम तरीके से, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी किलोमीटर पर आर है, ये भी किलोमीटर पर आर है। बस फर्क ये है, इस वाले में आर आपका डिवाइड हो रहा है, इस वाले में आपकी एच की पावर -1 है, यानी न्यूमरेटर में आ गया। और यहाँ पे भी आपका इसमें एस डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका क्या हुआ है, एस डिवाइड होने के बजाय न्यूमरेटर में आ गया और पावर उसकी एस की -1 हो गई। अब इस चैप्टर में ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो है हमारी कन्वर्जेंस। एक कन्वर्जन आपकी डिस्टेंस की, जो कि हम चैप्टर 1 के एंड में पढ़ के आए थे, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, या जिसको हम कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं। और क्या क्या होते थे हमारे, सबसे बड़ा ही उन्हें होता था किलोमीटर, फिर आपका होता था मीटर, फिर आपका होता था सेंटीमीटर, और सबसे छोटा यूनिट होता था मिलीमीटर। इनकी आपस की कन्वर्जन कैसे होती है, यह सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो कि जब बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, सबसे बड़ा यूनिट हमारा किलोमीटर होता है, सबसे छोटा यूनिट हमारा मिलीमीटर होता है। बड़े यूनिट की तरफ से जब हम छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करना होता है। किलोमीटर से मीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, और मीटर से किलोमीटर जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 100, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 10। इस चीज़ पे हम पहले काफ़ी डिटेल में बात करके आ चुके हैं, हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे, इस वजह से अभी मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है। और दूसरी कन्वर्जन होती है हमारी टाइम की। टाइम की कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन होती है हमारी आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स की। अगर आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से आवर्स सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो भी मल्टीप्लाई बाय 60। और इसकी वजह ये होती है कि 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। इसका भी सेम केस है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, आर सबसे बड़ा यूनिट है, सेकेंड सबसे छोटा यूनिट है, सेकेंड से मिनट्स में जाओगे तो डिवाइड बाय 60, और मिनट से आर में जाओगे तो डिवाइड बाय 60, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक थोड़ी सी रट्टे वाली बात है कि देखो आर से मिनट्स में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 है, आर और मिनट से 60 में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 है। अगर हम आर से डायरेक्ट सेकेंड में जाने की बात करें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बेसिकली आपका होता है मल्टीप्लाई बाय 3600, यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होता है, ठीक है। और अगर हमने सेकेंड से आवर्स में जाना है डायरेक्ट, के बीच में हमें मिनट्स की कन्वर्जन नहीं चाहिए, हम सेकेंड से डायरेक्ट आवर्स में जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 3600 करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी, दो कन्वर्जन है जो इस चैप्टर में बहुत काम की हैं, और अगर ये कन्वर्जन वीक है तो फिर बड़े मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो अभी हमने उसको ऊपर से देखा था कि एक बंदा था पॉइंट ए पे और उसको जाना था पॉइंट बी पे, 2 बजे वो घर से निकला है, 4 बजे पहुंचा है, उसको टाइम कितने लगे हैं, 2 घंटे, और यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, द टाइम इट टुक इज 2 आवर्स, और द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 160 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम। अब देखो कभी भी स्पीड का फॉर्मूला लगाना, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उसकी एक कंडीशन पूरी करना लाजमी होती है, वो ये कि तुम जो यूनिट्स को आपस में डिवाइड कर रहे हो वो किलोमीटर और आर में या मीटर और सेकंड में होना लाजमी है। जैसे यहाँ पे मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर है हमारा किलोमीटर में, इसमें कोई मसला नहीं है, और टाइम जो है वो कितना है, 2 आवर्स है, तो हमारा टाइम कितना है आवर्स में, और हमारी कॉम्बिनेशन क्या होती है किलोमीटर पर आर की, मतलब हम इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ था 160 किलोमीटर और टाइम आर के अलावा मिनट्स में दिया हुआ होता या सेकंड्स में दिया हुआ होता, तो फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते थे जब तक हम उसको आर में कन्वर्ट ना कर लें, और यही सेम चीज़ मीटर और सेकेंड के साथ भी होती है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का अगर हमने निकालनी है स्पीड, तो स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना है 160, टाइम कितना है 2, 160 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आर। यही वो आंसर है जो हमने शुरू में उसको दे दिया था, दूसरे बंदे ने जब पूछा था, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये भी सेम चीज़ है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 1800 मीटर। अच्छा डिस्टेंस हमें मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। द टोटल टाइम इट टुक इज 180 सेकेंड्स, और टाइम जो दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो हमारे यूनिट क्या होते हैं, किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड,
तो इस बार जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, मीटर और सेकेंड्स को। तो हमें इसमें कोई मसला नहीं है, हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1800 और टाइम कितना है 180 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 18 इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से काम होता है हमारा, ठीक है। हमेशा बस यूनिट्स जो देखना है वो तुमने गौर करना है कि अगर तुम्हारे यूनिट्स डिफरेंट हैं तो तुम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी हम अगले पार्ट्स पे आ रहे हैं, इस पे हमारा कॉन्सेप्ट और पक्का होगा। अगेन एक और पार्ट है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 18,000 मीटर। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। द टोटल टाइम इट टुक इज 540 मिनट्स। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18,000 मीटर और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540 मिनट्स। अब हमारे यूनिट्स तो दो ही होते हैं, या तो किलोमीटर पर आर होता है या मीटर पर सेकंड होता है। अब मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे सिंपली 18,000 यानी जो हमारा डिस्टेंस है 18,000 उसको 540 से डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 18,000 जो है ना ये आपका मीटर में है और 540 जो है ये आपका मिनट में है। तो इसका जो भी आंसर है एक्स वाई जी अभी हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, उसका जो यूनिट आ रहा होगा वो आ रहा होगा मीटर पर मिनट। लेकिन ऐसा तो कोई यूनिट होता ही नहीं हमारा स्पीड एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। हमें इनको या तो किलोमीटर और आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर एक चीज़ नोट करूँ तो डिस्टेंस तुम्हारा मीटर में ऑलरेडी है, इसको फजूल में छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइम जो है वो मिनट में, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो हम यहाँ पे टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 540 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका आपका आंसर देख लेते हैं क्या आता है। ये आपका आंसर आता है 32,400 एंड तो बस 32,400 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास मीटर और सेकंड दोनों में यूनिट आ गए। अब सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 18,000 और टाइम है आपका 32,400। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आपका आंसर आता है स्पीड का 0.556 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। अच्छा, एक मजे की चीज, हम लोग इसको किलोमीटर पर आर में भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक और तरीके से करते हैं, लेकिन इस बार हम किलोमीटर और आर में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, डिस्टेंस जो है हमारा मीटर में, और मीटर जो होता है हमारा किलोमीटर से छोटा यूनिट होता है। तो मीटर से किलोमीटर में कैसे जाओगे, डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 18,000 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 1000 से, तो इसका आंसर आएगा 18, ठीक है। और दूसरी बात, टाइम जो है हमारा मिनट में, 540 मिनट्स में, और मिनट जो होता है छोटा यूनिट होता है आर से, तो मिनट से आर में कैसे जाएंगे, डिवाइड बाय 60 करके। तो 540 डिवाइडेड बाय 60, ये आपका आंसर आई थिंक 9 आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 आर, और ऊपर वाला जो है 18 किलोमीटर है। तो अब हमारे यूनिट जो है किलोमीटर और आर में आ गए। हम लोग इस चीज़ को अब फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा जी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 18 और टाइम कितना है 9। 18 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आर। तो दोनों तरीके कर सकते हैं, कोई हमें इस चीज़ का मसला नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर ने आपको डायरेक्शन दी हुई हो कि आपको आंसर किलोमीटर पर आर में ही देना है या आपको आंसर मीटर पर सेकंड में ही देना है, फिर हम वो एक बाउंड हो जाते हैं। वैसे हम दोनों तरीके कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 40 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस जो है आपका वो है 40 किलोमीटर और अब स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आर। तो यार तीन ही यूनिट होते हैं, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है और टाइम होता है।
डिस्टेंस और स्पीड आपको दिया हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या ढूंढना होगा, यहाँ पे हमें टाइम ढूंढना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसा ही। और स्पीड हमें दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं स्पीड की जगह 10 और पर आर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यानी इसका ये मतलब है कि 10 जो है ये आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 घंटे में, और इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 40 और टाइम है अननोन। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या हमने जो इक्वल टू दोनों चीज़ों को पुट किया है, क्या हम ये कर सकते थे? तो देखो कर सकते थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में, और तुम्हें जो स्पीड दी हुई है वो भी किस में दी हुई है, किलोमीटर और आर में। इसका मतलब है कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आपका मीटर में होता और आपकी स्पीड होती किलोमीटर पर आवर में, फिर इक्वल टू पुट नहीं कर सकते थे, या वाइस वर्सा डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में होता और स्पीड होती मीटर पर सेकेंड में, तो भी हम इक्वल टू पुट नहीं कर सकते थे। तो ये चीज होती है, अभी हमारे दोनों किलोमीटर्स में है तो हम इसको पुट कर सकते हैं। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग सिंपली करेंगे ये कि अपना पूरा डिनोमिनेटर फ्लिप कर देंगे और पूरा फ्रैक्शन फ्लिप कर देंगे जैसे हमने सीखा हुआ इसको, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40, 40 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। अब यूनिट क्या लगाएं, यूनिट हम यहाँ पे लगाएंगे आर्स का, क्योंकि स्पीड हमें किस में दी हुई थी, किलोमीटर पर आर में, तो ये जो हमारे पास टाइम आया है ये भी किसका आया है, ये हमारे पास आया है आर्स का, ठीक है। ये चीज होती है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा और फिर इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। और हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है इसका कि द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज 30 मिनट्स। अब हमें टाइम दिया है कितना, 30 मिनट्स का। द एवरेज स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। टाइम जो है वो है 30, 30 नहीं यार सॉरी 300 था, ये 300 मिनट्स, और स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आर। अब आगे देखो फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में, तो यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है और हमें टाइम गिवन है, तो जाहिर सी बात है अब तीसरा यूनिट जो बचा वो डिस्टेंस बचा, डिस्टेंस ढूंढना होगा। लेकिन 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 स्पीड जो थी हमें किस में गिवन है, किलोमीटर पर आर में, यानी टाइम का यूनिट क्या है, आर है, लेकिन टाइम जो हमें गिवन है वो किस में, मिनट में। हम इसको इक्वल टू अभी पुट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, आर्स में। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना देते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है यार 300 मिनट्स है, मिनट आपका छोटा यूनिट है, मिनट से जब बड़े यूनिट आर में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। तो 300 डिवाइडेड बाय 60 आई थिंक इसका आंसर 5 आता है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लूँ। 300 डिवाइडेड बाय 60, हाँ इसका आंसर आता है 5, और यूनिट क्या आएगा, आर्स का। अब हम लोग इसको इक्वल टू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारा यूनिट जो है इधर भी आर्स का है और इधर भी आर्स का है। ये हमारा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसमें ढूंढना क्या है, डिस्टेंस ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है डिस्टेंस के साथ डिवाइड, इधर आके स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा एस मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू डी। स्पीड आपकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आर, इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, टाइम कितना है, 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो न्यूमरेटर को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सिंपली 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 50, और नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका 50 आ गया डिस्टेंस। और यूनिट क्या लगाएंगे यार, हमें स्पीड किस में गिवन थी, किलोमीटर में, तो ये डिस्टेंस भी किस में होगा, ये डिस्टेंस भी आपका किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो अभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तुम लोगों को फॉर्मूले यूज़ करना बता दिए कि एक फॉर्मूला जो है आपका आप किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या उसकी कंडीशन है उसको अप्लाई करने की, ठीक है। बस एक चीज़ उसमें याद रखने वाली है कि यार यूनिट सेम होना लाजमी है, यूनिट सेम नहीं है और तुम डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, मार्क्स नहीं मिलने वाले। और यही कॉमन गलती होती है जो मैंने अब तक नोट की है कि बच्चे गलत यूनिट्स को गलत यूनिट से डिवाइड कर देते हैं और फिर पीछे जब मार्किंग सीम में जाके आंसर देखते हैं तो फिर रो रहे होते हैं कि आंसर गलत आ रहा है। तो खैर ये था हमारा एक फॉर्मूला लगाने वाला टॉपिक।
अब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अब इसी फॉर्मूले में अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कर देना तो वो आपकी फिर होती है स्पीड की। क्या मतलब है? देखो, हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो आसान है। यार 18 किलोमीटर पर आर का मतलब क्या है? अभी हमने इस पर बात की, इसका मतलब है 18 किलोमीटर आपका डिवाइड हो रहा है किससे? डिवाइड हो रहा है आपका 1 आर से। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताओ, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्शन करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000। ऐसे ही है। और 1 आर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी हमने इससे बात की थी कि अगर 1 आर से डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्जन करनी है तो आप करते हो मल्टीप्लाई बाय 3600। ये चीज है आपकी, ये समझो आपका 1000/3600 एक नया फ्रैक्शन बन गया। इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और फिर बाकी का मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36, ये आपका आंसर आता है 5 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ये चीज़ है कि अगर आपको कन्वर्जन यूनिट्स आपके पक्के हैं ना डिस्टेंस के और टाइम के, तो ये कौन सा बड़ा आसान सा है। इसकी एक और एग्जाम्पल देख लो, अभी हमने देखा था कि किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड कैसे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर की कन्वर्जन ये कैसे होगी? या सिंपली 20 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का ये मतलब होता है कि 20 मीटर जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है 1 सेकेंड से। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर और आर में। सबसे पहले मीटर की कन्वर्जन क्या होती है आपकी? आपकी मीटर की कन्वर्जन होती है डिवाइडेड बाय 1000 की। ऐसे ही। और सेकेंड से आपने उसमें अगर जाना है आर में, तो इसकी कन्वर्जन क्या होती है? डिवाइडेड बाय 3600। अब देखो, जब ये डिवाइड बाय 1000 है तो ये आपका बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/1000, तो 1000 आपका नीचे 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइडेड बाय 3600 जो है ये आपका होगा मल्टीप्लाई बाय 1/3600, और बेसिकली आपका डिनोमिनेटर में फर्दर डिनोमिनेटर है ना, तो ये जाके आपका ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इन शॉर्ट, ऊपर भी डिवाइड है नीचे भी डिवाइड है, हम इसको पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपका होगा 20/1 मल्टीप्लाई बाय 3600/1000। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपका होता है 72 किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये हमारा एक और तरह का क्वेश्चन हो गया। अब इसकी एक और दो पार्ट्स कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को शुरू के दो पार्ट्स में समझ नहीं आए हो तो उसको अब आ जाए। देखो, 80 किलोमीटर पर आर, 80 किलोमीटर पर आर का क्या मतलब है? कि आपका 80 किलोमीटर डिवाइड हो रहा है किससे? डिवाइड हो रहा है 1 आर से। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। और आर को सेकंड में कन्वर्ट करो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3600। तो ये आपका एक नया फ्रैक्शन बन गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका ऊपर क्या बचा? 80 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे आपका बचा 36। तो ये आपका आंसर आ रहा है 22.22 मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका इंटीजर भी हो सकता है, आंसर आपका डेसिमल भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा आखिरी वाले पार्ट पे आ जाओ, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में। तो सिंपली आपका हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। मीटर से किलोमीटर में कैसे जाएंगे? डिवाइड बाय 1000 करके। सेकेंड से आर में कैसे जाएंगे? डिवाइडेड बाय 3600 करके। तो एट दी एंड ये आपका बचेगा 10/1 मल्टीप्लाई बाय 3600/1000। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एट दी एंड आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? 36 किलोमीटर पर आर। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज, के बड़े यूनिट से जब आप छोटे यूनिट में जा रहे हो, किलोमीटर पर आर बड़ा यूनिट है एक तरीके का, और मीटर पर सेकंड एक छोटा सा यूनिट है,
तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में पता है कैसे जा रहे हैं हम? बेसिकली पहले 18 को पता है क्या करते हैं हम, 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से। यहाँ पे हमने क्या किया, 18 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, और ये नीचे 3600 जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि 18 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज होती है आपकी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब हम गए तो हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 3600 किया। और पता है इसमें क्या होता है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाने में हम 20 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से। यानी यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई बाय 1000 इस वाले में कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड बाय 1000 कर रहे होते हैं। इधर डिवाइड बाय 3600 कर रहे होते हैं, इधर मल्टीप्लाई बाय 3600 कर रहे होते हैं। यानी इसको मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, इससे हम अगर डायरेक्ट जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ये चीज होती है आपकी। अगर किसी को इस तरीके से याद करना है तो बिल्कुल कर सकता है, और अगर ये इस तरह कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकता है। मैं कॉन्सेप्चुअली रेकमेंड करूंगा, ये जो रट्टा होता है ये कभी कभी गलत हो जाता है और आंसर फिर आपके गलत हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली चलो ताकि चीजें सही रहें, आसान रहे। अच्छा जी, अब दूसरे टॉपिक पे आ जाओ। दूसरा टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन का। अब एक्सीलरेशन क्या है यार, एक्सीलरेशन ना आपका चेंज है स्पीड में, यानी रेशियो है आपका कि कितना चेंज आ रहा है। और पहले हम इसको वही जैसे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, फिर हम इसके फॉर्मूलाज पे आएंगे। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन में जब हम पहली दफा गाड़ी को देख रहे हैं तो उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, और जब हम दूसरी दफा देख रहे हैं तो उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो कितना चेंज आया यार, 0 से 50 पे गई है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम ये करते हैं कि जो आपकी फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड हमारे हमने जब देखी तो कितनी थी 50, और जो हम पहली दफा देखी तो कितनी थी 0, हम फाइनल स्पीड को माइनस कर देंगे किससे, आपकी पहली वाली स्पीड। तो 50 माइनस 0 ये आपका कितना होता है, 50 ही होता है। ये क्या है, ये आपका चेंज इन स्पीड है, लेकिन हमें रेशो चाहिए होता है, और रेशो किसके अगेंस्ट चाहिए होता है, टाइम के। तो यहाँ हमारी जो स्पीड चेंज हुई है वो 50 हुई है, और इस 0 की स्पीड से 50 की स्पीड जाने में टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज है, देखो सिंपली आपने चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, या पहली दफा जो आपने देखी, और डिवाइड कर दोगे उसको टाइम से कि कितना टाइम लगा है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, 20 मीटर पर सेकेंड, पहली दफा देखी तो 20 मीटर पर सेकेंड थी, दूसरी दफा देखी तो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे 50 को किससे, और सॉरी 20 को माइनस करेंगे किससे, 50 से। 50 माइनस 20 कितना होता है, 30, और कितने टाइम में आइए 20 से 50 पे, 10 सेकेंड्स में। तो 30 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ना थोड़ी सी जगह भी चाहिए, मैग्नेट इसको इधर ले आता हूँ। क्वेश्चन चलो आखिरी पार्ट पे आ जाओ। अब पहली दफा जब हमने स्पीड देखी तो 70 थी, और दूसरी दफा जो स्पीड देख रहे हैं 30 है, कम हुई है। पहले वाले दो केसेस में बढ़ी थी, 0 से 50 पे आई है, दूसरे में 20 से 50 आई है, थर्ड वाले में 70 से 30 आई है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे जो कि हम ऊपर करते हुए आए हैं। फाइनल स्पीड कितनी थी, 30, हम लिखेंगे 30 माइनस, पहली दफा जब स्पीड देखी कितनी है, 70, 30 माइनस 70, इसका आंसर आता है -40, और कितने टाइम में चेंज आया है, 10 सेकेंड्स में। तो -40 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया -4। अच्छा अब देखो ये -4 पे ना थोड़ी बात करनी, आपकी जो एक्सीलरेशन है कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है, आपकी जो एक्सीलरेशन है कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसकी वजह क्या है, देखो अगर तो स्पीड बढ़ती है, अगर स्पीड हमारी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी एक्सेलरेशन है। यार देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी स्पीड बढ़ती है
या आपकी स्पीड कम होती है। अगर तो आपकी स्पीड बढ़ रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। और इसका ऑब्वियस ही बात है कि आंसर जो आपका आता है हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस के साइन के साथ आता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो फिर हम उसको एक्सीलरेशन नहीं कहते, हम उसको दो लफ्जों से कह सकते हैं, एक रिटार्डेशन और एक डिसेलरेशन। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड रिटार्डेशन है। अगर कहीं पे भी स्पीड कम हो रही होगी ना, वो बोलेगा कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन। इसका मतलब है कि आपने फॉर्मूला जो है वो एक्सीलरेशन का ही लगाना है, लेकिन इस बार जो आपका आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। तो हम ये करते हैं कि हम ये नेगेटिव का साइन हटाते हैं, हम इसको सिंपली लिख देंगे जैसे हम अपना आंसर लिखते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आपकी क्या है, ये इस बार आपकी रिटार्डेशन है। इसका यही मतलब है कि आपकी स्पीड कम हो रही है। ये 4 आपकी रिटार्डेशन थी, ये 3 आपकी एक्सेलरेशन है, ये 5 भी आपकी एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन की वजह क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है? तो देखो, कंपेयर करने के लिए मुझे बताओ, आपकी यहाँ पे गाड़ी 0 से 50 पे गई और यहाँ पे आपकी गाड़ी 20 से 50 पे गई, दोनों 10 10 सेकेंड्स में गई हैं। हम कैसे बताएंगे कौन सी फास्ट है? तो हम इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं। यार, ये वाली गाड़ी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे और ये जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, तो फास्ट कौन सी हुई इसमें? फास्ट इसमें आपकी हुई ऊपर वाली, जो कि ज्यादा नंबर्स के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें मेन चीज है आपका फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, आपकी फाइनल स्पीड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इनिशियल स्पीड को, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओ सॉरी, डिवाइड कर देंगे उसमें से टाइम। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर को फोर्सफुली ऊपर ले आए तो ये आपका बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फर्क क्या है, इस बार सेकेंड आपका न्यूमरेटर में है और उस पर पावर जो है वो नेगेटिव हो गई है। तो ये दोनों तरीकों से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो। ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा,